तेल की कीमतों ने निकाला परिवहन उद्योग और भारतीयों का तेल। बढ़ती हुई तेल की कीमतें परिवहन उद्योग के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 65% हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट डीजल के ऊपर निर्भर है। अगर डीजल बढ़ता है तो भाड़ों में जहां पर बढ़ोतरी होती है, महंगाई में बढ़ोतरी होती है। इसी कारण महंगाई आज उछले स्तर पर है और हमें नहीं समझ आता इसके पीछे सरकार की क्या लॉजिक है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये दिन दिहाड़े जो 32 रुपये की चीज़ है, 35 रुपये की चीज़ है, वो 105 रुपये में बेच रहे हैं। ये दिन दिहाड़े सरकार के द्वारा जनता के ऊपर लूट है। इसका हम विरोध करते हैं और हम सरकार से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि जो डीजल की कीमतें लगातार देश के ऐतिहासिक उछले स्तर पर हैं, इनको अपनी एक्साइज ड्यूटी, राज्य अपना वैट कम कर इसमें कंट्रोल करें, कमी लाएं और 3 महीने में एक बार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो और GST के प्रव्यू में डीजल को लाना चाहिए और इस उद्योग को बचाने के लिए 6 महीने का मोरेटोरियम देना चाहिए। ये हम 28 जून को पूरे देशव्यापी परिवहन उद्योग काला दिवस मना रहा है, जिसमें हम अपनी गाड़ियों के ऊपर कालियां झंडियां लगाकर कर और बैनर लगाकर DM और कलेक्टर के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए एक विज्ञापन देंगे कि क्या हमारी मांगे हैं। अगर उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अगस्त से हमारे चक्के थम जाएंगे।